अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं नामिया इबा की बड़ी मम्मा के घर से। तो बस हम वहाँ पे गए हुए थे तो मैंने सोचा मैं यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और नामिया इबा को तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, उनका दिल नहीं करता कि वो घर वापस आएँ। बस ये लोग सब बच्चे खेल रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। और सर्दियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं, हर जगह जो है वो खामोशी सन्नाटा नज़र आ रहा है। नामिया इबा को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे, उनका दिल ही नहीं था लेकिन बस उनको राज़ी करके घर लाना था क्योंकि स्कूल जाना था दूसरे दिन। तो बस ये है कि उन्होंने खूब खेला, हम सब ने डिनर किया, उसके बाद जो है बस मैंने कहा बस चलते हैं, सर्दी भी इतनी हो रही थी। काफ़ी देर हो गई थी हमें वहाँ से निकलते निकलते, ये है कि रास्ते में भी बहुत सर्दी हो रही थी और मैंने नामिया इबा को जो है वो मोटे कपड़े भी नहीं पहनाए थे, आरएस का टोपा सॉक्स कुछ भी पहना के लेके नहीं गई थी मैं, बस आइडिया नहीं था कि सर्दी जो है अचानक से बढ़ जाएगी। और बच्चों को तो फ़ौरन से बीमार हो जाते हैं, उनको फ़ौरन हवा लगती है और बस वो बीमार होते हैं। तो बस ये है कि नामिया इबा को स्कूल भी जाना था, फिर देर से सोती हैं तो फिर उठा नहीं जाता सुबह, और सर्दियों में तो वैसे ही दिल नहीं करता बच्चों को उठाने का जल्दी, बस दिल करता है बच्चे सोते रहें। The next day. और यहाँ मैंने बनाया है ये आरएस का मीठा पराठा, ले लो आरू, आप आरू से बर्दाश्त नहीं होता, 100 रुपए लेके जाना, खा लोगे ना। और यहाँ मैंने बनाया है मज़ेदार सा, ये देखिए कितना यम्मी बना दादी वाला, चल झूठा। और ये सच्ची मुच्ची जो है बहुत मज़े का बना था कोरमा। और ये कि बच्चों ने खा लिया फिर इबा के लिए अलग से कुछ बनाना पड़ता है, बस इसलिए बार बार मैं कोई ऐसा ही सालन बना लेती हूँ, चिकन कोरमा वगैरह, ताकि ये सब बच्चे भी खा लें इजीली। The next day. ये मेरी नामू बना रही है आज सैंडविचेस, चलो बनाओ, चलो कबाब रखो, तभी से सफाई से रखना थोड़ा। ये मेरी मशीन है, आज मैंने बड़े दिनों बाद निकाली है, वरना पहले मैं इसमें बहुत ज़्यादा बनाती थी चीज़ें, तो मैंने बनाने छोड़ दी, गर्म हो रही शदीद वाली, बंद कर दिया मैंने। हमें सही से पिलाओ, वो तो कटिंग को करें, ये खुद कटिंग होगा। ये हमने यहाँ पे इसमें रख दिया है घी लगाकर, मज़ा आया ना मियाँ, पहले वो रखते हैं पहले ये रखते हैं, बचेगी बचे। इसमें हम लगाएंगे ऊपर से मक्खन, मक्खनी, तेल, घी, चलो उसको बंद करो। तो बंद ही नहीं हो रहा, हो गया क्या? अभी ये इसकी रेड और ग्रीन दोनों लाइट चल रही हैं, जब ये रेड लाइट हो जाएगी उड़ी तो ये पक चुका होगा। नहीं क्या बने तो नहीं हुआ, मैं भी तुमने सैंडविच का ना थोड़े से ऊपर नीचे रख दिया था, ये पूरा तो ब्राउन नहीं हुआ मम्मा, चलाऊं मतलब उसको तो कैसा देखा था आपने, कैसा ब्राउन हो रहा था,
A few moments later. मैंने केक बेक किया है, ऑर्डर किया आया था। A few moments later. और ये देखिए व्यूवर्स, मैंने केक भी बेक किया और यहाँ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। बस जल्दी जल्दी कपड़े वॉश किए, ओके बस मैं फ्री हो जाऊँ। और ये बच्चे भी बड़ा तंग करते हैं साथ में, जब कोई काम फैला लो ना तो ये बच्चे भी कहते हैं बस हमें टाइम दें। A few moments later. और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू का भुर्ता। इसके लिए हम 3 अनियंस लेंगे मीडियम साइज़ की। इसको जो है हम पकाएंगे ब्राउन होने तक। ज़्यादा मसाले मैंने इसमें नहीं डाले, बस कुटी हुई मिर्चें पिसी हुई और सॉल्ट टू टेस्ट नमक डाला था। और ये हमने 4 टमाटर ले लिए हैं, कोरिएंडर है। इसको जो है हम ब्राउन करेंगे प्याज को। ये देखें ये ब्राउन हो चुकी है। फिर हम इसमें जो है डाल देंगे टमाटर। टमाटर को अच्छे से भूनेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। सारे मसाले बस मैंने इसमें 2 ही मसाले डाले हैं और नमक। फिर इसमें डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये मैंने पहले से ही डाल दी थी, गार्निश के लिए नहीं रखी थी मैंने, इसी में ऐड कर दी थी। मुझे थोड़ी मिर्चें कम लग रही थी तो मैंने इसमें पिसी हुई मिर्चें और ऐड कर दी थी। ये देखें ये ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब जो है इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। हम इसमें डालेंगे आलू। ये हमने मैश करके इसमें आलू डाल दिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके रेडी है खाने के लिए। और ये देखिए ये इतने मज़े की दाल, मूली और आई थिंक इसमें मेथी मिली हुई थी। ये हमारे नेबर से आई थी, उन्होंने बहुत मज़े की बनाई हुई थी। मैं कभी भी मूली नहीं खाती, लेकिन इसमें लग ही नहीं रहा था कि इसमें मूली भी डली हुई है। और बहुत अच्छा टेस्ट था। और यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मैं ईबा के लिए बना रही हूँ एग। और हमेशा की तरह मुझसे फिर जो है एग बहुत ही ख़राब बना, बिल्कुल टूट गया। ये देखें हालत हो चुकी है अंडे की ऐसी। ये देखें मुझे मेरी अम्मी ने बताया था कि तेल डालते हुए उसमें थोड़ा सा नमक डाल दोगे तो नहीं चिपकेगा, लेकिन मैंने ये भी ट्राई किया, लेकिन फिर भी मेरा अंडा लाजमी चिपक गया। तो आप लोग मुझे बताइएगा व्यूअर्स कि अगर आप लोगों को कुछ पता हो कि अंडा ना चिपके। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ जाके फटाफट से मुझे सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बने।